माई यूट्यूब चैनल माई नेम इज खुशी। आज फ्रेंड्स मेरा टॉपिक होगा जो आपकी गर्दन काली हो जाती है। यहाँ पे आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे काली काली पर्स सी जमा होने लगती है या फिर एक लाइन सी बनने लगती है इस तरह से, और हमारी कोहनी होती है कोहनी काली होने लगती है, हमारे जो नीज घुटने होते हैं वो घुटने काले पड़ने लगते हैं। तो फ्रेंड्स उनको काले पड़ने का क्या रीज़न होता है और हमें उसको कैसे फेयर करना है, अपने स्किन टोन के साथ कैसे मैच करना है, तो मैं उसके बारे में आपको बताती हूँ। फ्रेंड जैसे हम बहुत टाइम से एक ही चीज़ यूज़ करते रहते हैं, जैसे आप पाउडर लगाते हो गर्मियों में टैल्कम पाउडर, तो वो पाउडर हम यूज़ करते रहते हैं अपनी नेक पे, तो ठीक से साफ नहीं करते। ऐसे नहाते टाइम हम लोग ठीक से अपनी गर्दन को, अगर महल होगा फ्रेंड्स वो चीज़ महल जैसे महल जमा हो जाता है, तो हम नहाते में अगर रगड़ेंगे तो महल निकल जाएगा। अगर एक ही चीज़ को रेगुलर वे में आप यूज़ करते रहोगे तो वो चीज़ जमा होती रहती है। हम नहाते टाइम उस चीज़ को ध्यान नहीं देते, बस हमने मुँह धोया बॉडी पे साबुन लगाया बस नहा लिया इतना छुट्टी हो गई, लेकिन आप ये चीज़ ध्यान नहीं देते हो कि आपकी ये नेक पे वो चीज़ जमा होने लगी है। तो फ्रेंड्स वो काली परस सी जमने लगती है जो देखने में बहुत ही बेकार लगती है। हमारी कोहनियाँ जैसे हमारे हाथ की स्किन जो है ये हैंड की वो तो साफ रहती है, लेकिन ये कोहनियाँ काली होने लगती हैं, तो इसके बारे में आज मैं आपको बताती हूँ कि उनको हम कैसे साफ़ कर सकते हैं। और एक बात और फ्रेंड्स, जैसे आपको गर्मियों में बहुत स्वेटिंग होती है पसीना आता है, तो हम गर्दन पे से हमारा पसीना आ रहा है, हमने हाथ लिया इस तरह से रगड़ लिया, तो फ्रेंड्स हमें वो चीज़ रगड़नी नहीं है। अगर आप रगड़ोगे तो आपने देखा होगा बहुतों की इस तरह से लाइन बन जाती है, तो वो इसीलिए बन जाती है। आपको सिर्फ अपने हाथ में या फिर कभी आप बाहर जा रहे हो तो अपनी पॉकेट में आप एक हैंड टॉवल लेके चला करें। टॉवल फ्रेंड्स हमेशा कॉटन का यूज़ करें। जब भी आपको स्वेटिंग हो रही है फेस पे नेक पे कहीं पे भी, आप सिर्फ उसको इस तरह से पोंछें, ना कि इस तरह से रगड़ें। रगड़ने से फ्रेंड्स वो जो पसीने में जो महल होता है वो हमारे स्किन पे और चिपक जाता है, तो वो काली परत जो डर्ट होती है वो जमना शुरू हो जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आज आपको बताती हूँ कि उस डर्ट को आप किस तरह से निकाल सकते हो, तो मेरी वीडियो फ्रेंड्स पूरा देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स तो लाइक कर देना, शेयर कर देना फ्रेंड्स, और चलिए फ्रेंड्स लेट स्टार्ट। सबसे पहले हमें चाहिए एक आलू, आलू का फ्रेंड्स छिलका निकाल के हमें इस तरह से ये ऐसे ग्रेट कर लेना है, और ग्रेट करने के बाद फ्रेंड्स इसका हमें रस निकाल लेना है। हमें 2 स्पून इसका रस चाहिए, तो फ्रेंड्स मैंने इस तरह से ये इसका रस निकाल लिया है। ये आलू में ऐसे एंजाइम होते हैं फ्रेंड्स जो पिगमेंटेशन का इलाज करते हैं, क्योंकि इसमें कैटेकुलोज होता है। और हमें एक पाव ले लेनी है इस तरह से, और हमें चाहिए 2 चम्मच चावल का आटा इस तरह से। चावल फ्रेंड्स आप घर में भी जो कच्चे चावल होते हैं वाइट वाले, आप उनको पीस के इस तरह का पाउडर फॉर्म में ले सकते हैं। इसमें जो हमारे स्किन के एक्स्ट्रा ऑयल को सोख लेते हैं, और हमारी स्किन का जो ऑयल होता है वो पूरी तरफ से ऑब्जर्व कर लेते हैं, और हमारी स्किन का जो कालापन होता है वो दूर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने ये चावल का आटा ले लिया, और इसी में ये हम ये आलू का रस, ये फ्रेंड्स हमने बेसन ले लिया। बेसन फ्रेंड्स एक बेहतरीन स्क्रब है जो त्वचा के डेड सेल को हटाने में मदद करता है और पिगमेंटेशन का इलाज करता है। ये इस तरह से ये स्क्रब सब बना लिया है। अब आपको फ्रेंड्स इसको अपनी गर्दन पे ये इस तरह से लगाना है, जहाँ जहाँ आपकी काली परत है ये सब जो डेड स्किन है, इस तरह से आपको आपको नेक के लिए बता रही हूँ। आप इसको अपनी कोहनी पे, इसी को अपने घुटनों पे भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको दूसरे टिप्स बताऊंगी उसको अपनी कोहनी पे करके बताऊंगी। आप चाहे जो भी आपको सूटेबल लगे, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उस चीज़ को कर सकते हो। तो फ्रेंड्स अभी मैंने आपको ये बेसन चावल और आलू के रस से बना हुआ ये मास्क बताया है, और अभी मैं आपको दूसरी टिप्स बताऊंगी उसको मैं आपको अपनी कोहनी पे अप्लाई करके बताऊंगी, तो आपको दोनों ही ठीक से समझ में आ जाएगी। जो भी आपको अच्छी लगी, जो आपकी स्किन को सूट करती हो वो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने
ठीक से लगा लिए। इसको आप 10 मिनट तक ऐसे ही रहने दें, फिर आप इसको 10 मिनट के बाद जब ये सूख जाए इसको हल्के हाथों से इस तरह से रब कर लें। मतलब चलो मैं आपको एक मिनट, ये सूख जाए फिर मैं आपको बताती हूँ आपको इसको कैसे छुपाना है। देखिए फ्रेंड्स ये थोड़ा सूख गया है, हमें इसको पूरा प्रॉपर वे में नहीं सुखाना है वरना स्किन पिचिंग होने लगती है। अब हम इसको इस तरह से रगड़ के हल्के हाथों से इस तरह से छुटा लेना है। ऐसे आपको बताया फ्रेंड, बेसन तो वैसे भी मक्खन वगैरह में यूज़ करते हैं। इस काम को आपको वीक में 2 बार करना है। देखना आपका धीरे धीरे ये जो आपकी काली पल्ट होने लगी है, यहाँ पे स्किन काली काली सी होने लगी है, ये धीरे धीरे आपका इसका अपने आप ही छूटने लगेगा। और आपकी स्किन टोन से ये भी गर्दन और ये स्किन दोनों का सेम हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये इस तरह से आपको छोटा देना है। अब फ्रेंड्स मैं आपको बताती हूँ टिप नंबर 2 कि आपको अपनी, अभी मैंने आपको सिर्फ नेक के लिए बताया है, अब मैं आपको बताती हूँ कोहनी के लिए। चलिए सबसे पहले फ्रेंड्स हमें ले लेना है एक बाउल और इसमें ले लेना है रॉ मिल्क। रॉ मिल्क में फ्रेंड्स आपको पता है लैक्टिक एसिड होता है, ये इतनी क्वांटिटी हमें इसकी लेनी है। और ये लेनी है हमें हल्दी। हल्दी फ्रेंड्स हमें किचन की नहीं लेनी है, हमें लेनी है ये कस्तूरी अम्बा हल्दी आती है। आपको ये किसी भी ऑनलाइन ही मंगा सकते हो या किसी भी आपको ये पंसारी या प्रोविजन स्टोर होते हैं इन पे आपको इजीली मिल जाएगी। हल्दी मिली, हल्दी फ्रेंड्स एंटीसेप्टिक होती है और एंटी बैक्टीरियल भी होती है। इस तरह से इसको हमने ही मिला लिया। और ये फ्रेंड्स रोज वाटर, आप इसको जानते होंगे गुलाब जल। गुलाब जल थोड़ा हमें थोड़ा सा डाल लेना है। गुलाब जल फ्रेंड्स हमारे त्वचा पर निखार लाता है हमारी स्किन पर और हमारी स्किन का पीएच लेवल बनाए रखता है। ठीक है फ्रेंड्स, इन तीनों चीज़ों को हमें मिक्स कर लेना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको अप्लाई कैसे करना है। मैंने आपको बताया इस तरह से बना लेना है। अब फ्रेंड्स हमें ये इस तरह से लेके और ये ऐसे अपने एल्बो पे लगा, ये इस पे लगाना है कोहनी पे। इसमें फ्रेंड्स ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारी स्किन पर हार्म करेगा। आप चाहें तो इसे डेली कर सकते हैं, इस वाली चीज को नहाने से पहले आप डेली लगा सकते हैं। 10 मिनट आप इसे ऐसे ही रहने दीजिए, उसके बाद आप नहा लीजिए और ऐसे ही आप अपनी दूसरी वाली एल्बो पे लगा सकते हैं। अपने घुटनों पे इस पेस्ट को आप इस तरह से अप्लाई करिए। इनको सूख जाने दीजिए और 10 मिनट बाद आप फिर नहा लीजिए। तो फ्रेंड्स आपको मेरी दोनों ही होम रेमेडी कैसी लगी आप कमेंट करके मुझे बताना, और इनका रिजल्ट किस तरह से आया आपकी स्किन पर कमेंट करके मुझे बताना कि आपको मेरी दोनों ही होम रेमेडी कैसी लगी। और फ्रेंड्स आपको मेरा बताने का तरीका या समझाने का तरीका कुछ भी अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो इस वीडियो को लाइक कर देना फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर देना, और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। चलो फ्रेंड्स तो मैं मिलती हूँ आपको एक अच्छी और एक नई होम रेमेडी के साथ। तो फ्रेंड्स टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स।